पंचायत सहायक भर्ती 2017 में वंचित रहे बेरोजगार विद्यार्थी मित्र संघ के बैनर तले वंचित विद्यार्थी मित्रों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। संघ के जिलाध्यक्ष सुरेश गुर्जर ने बताया कि कांग्रेस पार्टी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में पंचायत सहायक भर्ती 2017 से बेरोजगार विद्यार्थी मित्रों को विद्यालय सहायक के पद पर लगाने का वादा किया था, लेकिन अभी तक उनकी मांगों पर कोई सुनवाई नहीं की गई। ऐसे में प्रदेश व्यापी आह्वान के तहत आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को अपना वादा याद दिलाने के लिए जिला कलेक्टर व उनके नाम ज्ञापन सौंपा। विद्यार्थी मित्रों ने कहा कि उनके अनुभव का लाभ लेते हुए उन्हें संविदा कैंडल में शामिल किया जाए, ऐसा नहीं करने पर आगामी दिनों में उग्र आंदोलन करेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी सरकार की होगी। राजस्थान सरकार से हम ये मांग करते हैं कि संविदा सेवा नियम 2022 में शिथिलता देते हुए विद्यालय सहायक के पदों पर वंचित रहे विद्यार्थी मित्रों को भी इसमें सम्मिलित करें और पंचायत सहायक के पद पर लगाए। आज हम सरकार से ये मांग करते हैं 14-15 के बाद में आज हम सभी राजस्थान के 7,000 विद्यार्थी मित्र वंचित बैठे हुए और गरीब बैठे हुए हैं, जिसमें से 100 से ज़्यादा विद्यार्थी मित्र साथियों ने इन बेरोजगारी के दंश की वजह से आत्महत्या कर ली है, जो सरकार को अभी तक इन चीज़ों के ऊपर पता नहीं है। हम सरकार से यही दरख्वास्त करते हैं कि आप हमारी इस मांग को जल्दी से जल्दी पूरा करें।